देखा बीबियां नो बच्चियां खुले मामा खुले और थाने में देखा बीबियां बैठियां रे अल्लाह से पसंद है पैर पैंचर रोए ने मुझे क्या से लोग की थे बैठे ने आए थे कोई दूर गया आया कोई ट्रेनर चाया पर मैं थोड़े क्या कहना कहना प्रोग्राम दो प्रोग्राम तो सुन लो करो क्या क्या बना सेट किया ये हवा चाहिए जय भीम दोस्तों आज सिर्फ दिल्ली रामलीला मैदान के पहुंचे जिथे कि सतगुरु रविदास महाराज की बेअदबी के कारण जिहड़ा गुरुद्वारा ढाया गया उहदे रोस दे विच अज पूरे पंजाब नहीं पूरे देश दे विच पूरे भारत दे विच जिहड़े लोग है वह अपना रोस जाहिर करन दिल्ली विखे पहुंचे ने सारिया संगतां ने इत्थे अपना आण के रोस जाहिर किया जिहड़ा अज दा इह प्रोग्राम है वह दोस्तों जिहड़ा अज दा प्रोग्राम सीगा जंतर मंत्र दा कैंसल करके वह रामलीला मैदान नवी दिल्ली कर दिता गया क्योंकि इन्नी संगत दे इकट्ठ होण दे करके जिहड़ा जंतर मंत्र वो रात का ही छोटा पै गया इस करके रातों रात इस डिसीजन चेंज करके रामलीला मंत्र करना पाया दोस्तों अभी ढे मोहरे अगर बेनती करते कि इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ता जो अपने आने वाले जिन्हें भी अपने सखी ने किन्ने सेवक ने जंतर मंत्र भी बजाए क्योंकि प्रशासन वालों और मनुवादी लोगों वालों गलत मैसेज ला के संगत को इधर तो उधर किया जा रहा बेनती है कि सही मैसेज दे के उन्होंने सही राह पाया जाए शेयर बेनती है कि इस वीडियो में तकरीबन वध तो वध शेयर करो ता जो लोग इस ज़्यादा तो ज़्यादा देखन तो उन्होंने पता लग चले कि यह जिहड़ा प्रोग्राम है वो रामलीला मैदान नवी दिल्ली में किया जा रहा तुसी देख रहे हो कि इस वेले जिहड़ा रामलीला मैदान है काफ़ी मतलब बहुत ही वड्डा लेकिन हाले प्रोग्राम स्टार्ट ही है तो अद्धे नालों ज़्यादा जिहड़ा मैदान है फुल हो चुका है कि हाले कि जिहड़ी संगत है काफ़ी रस्तियां दे विच है काफ़ी आ रही है बसों के ट्रकों के भर भर के इत्थे दी संगत जिहड़ी वो आ रही है लेकिन फिर भी बावजूद ये संगत नाल भरिया होया है इन्नी धुप्प दे होण दे बावजूद भी संगत बड़े प्यार दे नाल बड़े सत्कार दे नाल इत्थे बैठी हुई है जय गुरुदेव जय भीम जय भारत दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर समुचे भारत से जितने भी साधु संत हैं सभी यहाँ पर आकर पहुँचे हुए हैं और सभी इसी रोज मार्च में अपना 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 सहयोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं तो कृपया जितने भी दिल्ली वासी के लोग हैं उनसे विनती है कि वो जितने भी दिल्ली के लोग हैं या दिल्ली के बगल के लोग हैं सभी लोग आ जाएं और अच्छा रामलीला मैदान पर आकर अपना जो रोष है उनको जाहिर किया जाए भैया दोस्तों से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताजा हर एक अपने रविदास समाज जी के बाबा साहेब को मानने वाले हर एक आदमी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए उनको भी पता चलना चाहिए जो घरों में लोग बैठे हुए हैं वो आ नहीं सकते किसी वजह से उनको भी देखना चाहिए कि हमारा समाज जो एक जुट पर एक मंच पर सभी इकट्ठे हो रहे हैं
जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जितने भी अपने पास ग्रुप बने हुए हैं सभी ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड किया जाए और हमारे अंबेडकर क्रांतिकारी टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली हर एक वीडियो आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। भाई मड़ा देखोगे जनरल भाजी लाइव है सारे साथियों जय गुरुदेव धन गुरुदेव साथियों अज बहुत एक बड़ा इकट्ठ जिहड़ा आ अज रामलीला मैदान दिल्ली के जोड़ा धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र इतिहासिक स्थान जिहड़ा उन्हें तोड़न के विरोध के मैं सारे समाज को अपील करदा क्योंकि एक पासे वह धिरे जी जुल्म कर रही है दूजे पासे वह धिरां ने जिन्हां ते जुल्म हो रहे हैं चाहे वह मुसलमान भाईचारा हो चाहे वह ईसाई हो चाहे वह सिख हो चाहे वह दलित हो सारिया ते जुल्म जिहड़े हो रहे जुल्म सहन वाली किन्नियां धिर जुल्म करन वाली धिर जिहड़ी आ एक है तो सानू जुल्म सहन वाली धिर जिहड़ा आ इकट्ठियां हो जाना चाहिए इकट्ठियां होकर उस जुल्म का टाकरा करना चाहिए तद जिहड़ा इस देश के अंदर जबरदस्त जुल्म जिहड़ी आ नत्थ पाई जा सकती है अज का इकट्ठ लाभ साल है लेकिन सारे साथी जिहड़े आ वो डिसिप्लिन के अनुशासन के रहन और अपने आप को संयम धीरज बनाए रखन जो आप इस लड़ाई को मुकाम तक लैके जा सके मंजिल तक लैके जा सके क्योंकि लीडरलैस मूवमेंट जी है वो कई बार फेल हो जाती है सरकार लीडरलैस मूवमेंट को तहस नहस कर दें इस करके सारे साथी जोड़े आ डिसिप्लिन के जरूर रहन सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव धन गुरुदेव दोस्तों आपको मिलाते हैं मिशनरी गायिका रजनी ठक्करवाल से उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लगे लाइव है यूट्यूब से जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय भीम उन्होंने सरकारा ने साडी गल नहीं मनी सो असी पूरा संत समाज पूरा ही बहुजन समाज सड़कों से उतरूंगा और मनुवादी सरकार दियाँ इटा नहीं कंधा नहीं नीह तक हरा देवे सो सारे समाज में बेनती आ कि हले तक सिर्फ शांति का प्रतीक बन के रहना आ जदों सानू क्ल्यू मिल गया कि ये बंदे साडी गल नहीं मन रहे उस वेले सानू जेल च भी जाना पै गया मरण वध रखने पै गए रोड़ा दौड़ा पै गया शरेआम सड़क से उतरेंगे रस्ते चक्करवाल तक यही अपील करती है कि गुरु का हक असी लैके रहना है सो बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम जय पात जय गुरुदेव दोस्तों तुहानू मिलाने आ पंजाब दे जिहड़े साडे मिशनरी गायक रूपलाल धीर जी ना उन्होंने गलबात करते कि उन्होंने दोस्तों अगले साडे सिंघ है पंजाब दे मिशनरी गायक राजेंद्रलाल जी उन्होंने विचार सुन लिया ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
बहुत बहुत धन्यवाद लाली जी का। और अभी मैं अपील करता हूँ शायद से थोड़ा जिसे दो मिनट का समय है, प्लीज दो मिनट का समय से मैं कुछ बातचीत जो करवा रहे हैं हम बलविंदर बिट्टू जी जुड़े ने, इन्हों के विचार सुनते कि इन्हों के विचार की ने गुरुदास गुरुद्वारे के मंदिर को लेके। हाँ जी जिम्मे की आप सबको पता ही है कि दिल्ली के तुगलकाबाद इतिहासक मंदिर जो मोदी सरकार ने उसनों तहस नहस कर दिता और रविदासियों के हिरदे बलुंदरे गए हैं और अब रविदासिया भाईचारा सारा इकट्ठा होकर अज दिल्ली के पहुँचा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के एकत्र हो के पैदल यात्रा करते हुए अज रामलीला ग्राउंड के पहुंचे हैं जिते बहुत बड़ा समागम हो रहा चल रहा है और रविदासिया भाईचारे बहुत बड़ा रोस है और ये सरकार ने चेतावनी दें जल्दी तो जल्दी साढ़े गुरु रविदास महाराज का मंदिर एन सोने के बढ़ा के वधिया तरीके मंदिर बनाया जाए, नहीं तो रविदासिया भाईचारा तुम मूँह तोड़वा जवाब देने तैयार वर तैयार खड़ा और दिल्ली कंबल लावेगा। जय गुरुदेव जय पीर जय पा। दोस्तों साढ़े एक और मिशनरी सिंगर ने लाली जी लाली लुधियाने तो सिंगर ने साढ़े मिशनरी गायक ने उन्होंने गलबात करते हैं कि वो जो गुरुद्वारे का मंदिर ये जो मसद है की उन्होंने विचार ने गुरुद्वारे हिंदी हिंदी बोल रहे अभी विचारों की तो बात है, अभी तो फैसले की बात है। आज हम फैसला करने के लिए आए हैं यहाँ पर और जो भी साधु संप्रदायिक सोसाइटी हमको हुक्म लगाएगी अगर बोलेगी कि अभी जाके कब्जा लेना है तो हम तैयार बैठे हैं, हम अभी जाके कब्जा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। हम आपको पूरा स्टेज से ऊपर से जो लाइव है वो यूट्यूब पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो कितना अपने समाज के लोगों में कितना गर्माहट है, जो गर्माया हुआ माहौल है, कितना इकट्ठा है यहाँ पे, भारी रोष जो देखा जा रहा है भाई। बैठ जाओ प्लीज। जय भीम। दोस्तों साडे नाल इस वेले जुड़े ने साडे जिहड़े पंजाब दे मिशनरी साडे दोए साथी ने, उन्होंने गलबात करन जा रहे हैं जस्सी तल्लण जी नाल, उन्होंने की अज दे मसले नूं लैके विचार ने। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਪੀ ਜੈ ਪਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੈ ਪਾਤ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਠਾਸੀ ਮਾਸਾ ਵਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਠ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ रामलीला मैदान की जो लाइव है आपको तस्वीर वो दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है वो कैसे चल रहा है? अगर बाबा साहब को मानने वाले सतगुरु दास जी को मानने वाले हैं तो फिर जा पाए सभी सभी शांति से। साथियों
दोस्तों साढ़े नाल फलौर तो एमएलए सबका अविनाश चंद्र जी जो जुड़ चुके हैं, आप इन्हों के भी विचार सुनते हैं कि उन्होंने की विचार ने इस गुरु रविदास महाराज के मंदिर को लेकर। जय भीम जी जय गुरुदेव, साढ़े की विचार ने अज जो गुरु रविदास मंदिर के ढाए जाने सरकार के विरोध के लखा की गुरु रविदास महाराज क्योंकि हम लोगों ने और नेताओं की संगठनों की आज हम लड़ाई अपने लेवल की लड़ेंगे संतों के साथ उनके साथियों जो समय देखते फैसला एक समय एक बजे का दिया गया है बहुत धन्यवाद आपका जी। दोस्तों आपको सारी लाइव जो अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों को एक अपील है कि जो भी जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी अपने पास ग्रुप है सभी ग्रुपों में इस वीडियो को डालें, ताकि जो जितने भी हमारे भाई दिल्ली में जंतर मंत्र की जा रहे हैं जंतर मंत्र की बजाय वो सीधा रामलीला मैदान पर आ जाए, ताकि उनको कोई आने में कोई कष्ट ना हो। एक मिनट मैडम, दोस्तों आपको मिला रहे हैं जो भारत के मिशनरी सिंगर है मंजीत मेहरा जी। कहाँ से भैया? हरियाणा, रोहतक हरियाणा से। आपको उनसे मिला रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो संत रविदास मंदिर को जो ढाढेरी कर दिया है उनके बारे में उनका क्या विचार है। जय भीम जी। जय भारत स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये बहुजन सैलाब जो आया है ये इस बात का सबूत है जो तुगलकाबाद के अंदर जो मंदिर को तोड़ा गया है ये सोचिए साजिश के तहत आम आदमी पार्टी और बीजेपी का षड्यंत्र के तहत मंदिर को तोड़ा गया, जो कि 508 साल पुराना है, जो लोधी ने दिया था, एक मुमटन नेता ने मुमटन राजा ने दिया लेकिन हिंदू राजा ने छीन लिया। तो साथियों इसका मतलब ये है कि ये हिंदू हमारे कभी नहीं हो सकते। जब हिंदू धर्म पे लड़ाई आती है तो हम लोगों को हिंदू बना देते हैं, लेकिन साथियों जब हमारे अधिकारों को छीनने की बात आती है तो हम चूड़े चमार धानक धोबी मनियार जाट हो जाते हैं। साथियों ये इनका षड्यंत्र है, अब सहन नहीं होगा, अब बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और मंदिर तो वही बनेगा। मैं आपसे दो बोल सुनना चाहता हूँ गुरुद्वारा मंदिर के बारे में। जी जी बोल। दलितों पे अत्याचार करो, दलितों पे अत्याचार करो ये अच्छी बात नहीं सर, दलितों पे अत्याचार करो ये अच्छी बात नहीं सर, अरे मेरे गुरु का मंदिर रोक दे तेरी औकात नहीं सर, मोदी मेरे गुरु का मंदिर रोक दे तेरी औकात नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपको जैसे भी हो रहा है कि आपको लाइव अपडेट हम भैया दे रहे हैं, सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि सभी भाई जितने भी अपने पास ग्रुप है चाहे किसी हिंदू का हो सब वो डालो, ताकि उनको पता चले कि हमारे जो बहुजन समाज की है रविदास समाज की जो एकता है, जो मुस्लिम भाईचारा हमारे साथ खड़ा है, जो सिख भाईचारा हमारे साथ खड़ा है, उनको पता चलना चाहिए कि सारे जितने भी लोग हैं ये सभी एक मंच पर इकट्ठे हो रखे हैं। और जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भाई महाराज जानू आज लाइव है टूटने का कार्य हुआ है। साथियों आज संकल्प लेकर के चलना होगा,
यदि आप सबसे आकर सिपाही बन करके आए हैं, हमारे घरों में जितने भी कहते हैं प्रवास करते हैं सभी को बाहर निकाल करके फेंकना होगा। और गुरुदास जी की प्रतिमा स्थापित करनी होगी और जहाँ पर गुरुदास जी का मंदिर टूटा है पूरे शरीर में वहां पर जाकर के एक ऐसा आभास कराना है कि मंदिर यही बनाएंगे कि हम भी कुछ भी कर पाएंगे। साथी जो हरियाणा से आए हैं दो मिनट का समय लें और उनके बाद महाराज लोहिया जी जो हमारे बीच पहुंचे भी वो राजनीतिक जत्थेबंदियां वो भी हमारे पास पहुंची है, ले संत समाज पूरे भारत से वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और जो पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं उनका तो गढ़ देख से पता चलता है कि हमारे जो संत रविदास महाराज का जो मंदिर तोड़ा गया है उनके रोष में ये लोग कितने यहाँ पे हैं। तो सभी साथियों को बेनती है कि जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं सभी साथियों को बेनती है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो आपका कुछ भी क्वेश्चन है अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें डाल सकते हैं भैया। जय गुरुदेव जय भीम। Let's go.
दोस्तों पंजाब से जो संत महापुरुष और वहाँ के लोकल लीडर जो हमारे पास यहाँ पे पहुँचे हैं, पंजाब से साधु संप्रदाय कमेटी के प्रधान कुलवंत राम जी और साईं पप्पल झा जी, कृष्ण आचेड़ू जी जो क्रांतिकारी है, बब्बू जी डेरा संस्कर बल्ला से, और उनके साथ और भी जो संत महापुरुष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको लाइव तस्वीर दे रहे हैं भैया, जो पंजाब के हम पंजाब से साधु सोसाइटी के प्रधान कुलवंत राम जी और भी पहुंचे हैं। दोस्तों हमारे पास पंजाब से संत समाज जो पहुंचा है, जो संत रविदास महाराज जी का गुरुद्वारे को वहां के सिस्टम को चलाते हैं, उनको आपकी दोस्तों आपसे जो मिशनरी गायक है पंजाब की प्रिया बंगा, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं। अब देख रहे हैं मोदी ने ईंट मारी है और हम उसका जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अगर मोदी में दम है तो आओ बहुजन समाज पूरा सड़कों पर आए, आज आए, नहीं तो चूड़ियां पहनकर अपने घर में बैठे, मंदिर तो वही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पंजाब की मिशनरी गायक प्रिया बंगा, जो दिल्ली में तकरीबन 3-4 दिन से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, रोज चल रहा है, उनके मामले में यहीं पे 3-4 दिन से यहीं पे आ रही है, यहीं पे बैठी है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी भगन कर दिया गया है, उसके लिए अपन लड़े हुए हैं। संत मत कहते हैं कि शांतिमय तरीके प्रदर्शन होगा, किसी ने अनुशासन नहीं तोड़ना। और जो मुखी संत है, जो अपनी कमेटी है, मुखी कमेटी जो कि सारे निर्णय ले रही है, वह कई मुताबिक चल के आपकी नहीं अपनी शक्ति देख रही है कि आप की कर सकते हैं। जय गुरुदेव। धन्यवाद। देखो जी महाराज जी महाराज मैं लंघ सकता जी। दोस्तों
दोस्तों हम आपको मिला रहे हैं जो पंजाब के संत साईं पप्पल शाह जी वो हमारे साथ मौजूद है पंजाब से बंगा से, वो उनको भी संत रविदास जी का जो मंदिर है वो टूटने का दर्द महसूस हुआ, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि जो आज का जो माहौल है, उनको जो आज का जो मुद्दा है उनको लेकर उनके क्या विचार है। महाराज की जय। आज 21 अगस्त दिल्ली दे महान रोस हिंदी महान रोस प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारत के सभी स्टेटों से सभी संगठन पहुंची है और सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर को तोड़ने के विरोध में जो एक जहां महान रोस प्रदर्शन हो रहा है। ये रोस प्रदर्शन से हम बताना चाहते हैं कि ये मौके की हाकिम सरकारों को तो अपना फैसला जल्दी से जल्दी वापस ले और सतगुरु महाराज का जो मंदिर उन्होंने तोड़ा है उनको जल्दी से जल्दी बनाकर दीजिए और संगत के रोष को ठंडा कीजिए। और अगर ऐसा है जे रोष प्रदर्शन से सरकार नहीं मानेगी, इससे अगली कार्रवाई जड़ी है वो संत समाज जल्दी ऐलान करेगा। आज इसी इंतज़ार में हम सारे एकत्र होकर यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं आज के आज जल्दी कोई फैसला आएगा। और सारा ही बहुजन समाज वक् वक् राज्यों से यहाँ पहुँचा है और सारे बहुजन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे संत समाज का, सतगुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब का। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो भी सभी संस्थाएं हैं, जथेबंदियां हैं, वाल्मीकि भगवान जी की जथेबंदियां हैं और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, क्रिश्चियन सभी ने मिलकर आज मौके की सरकार के विरुद्ध जो फतवा दिया है, सारी जथेबंदियों का, सारे समाज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जहाँ आकर उन्होंने इस रोस फतवे में आकर शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय थे पंजाब के साईं पप्पल शाह जी जो बंगिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने संत रविदास जी के नाम पर वाणी का प्रचार प्रसार करते पंजाब में। दोस्तों से निवेदन है कि जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े उनसे बेनती है कि हमारे जो इस लाइव वीडियो को जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट है, सभी कॉन्टैक्ट को शेयर कीजिए। और जितने मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े हैं यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, उनसे निवेदन है कि सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आप हमारी आने वाली अगली एक अपडेट जो भी अपडेट है वो आप तक जल्दी से जल्दी हम पहुँचा सकें। संदीप वाल्मीकि जो हमारे साथ है वो जुड़े हैं, उनसे विचार सुनते हैं, उनके क्या विचार है। मंदिर वही बनेगा नहीं तो इस देश की सड़कों पे खून बहेगा। अगर इनका राम राम है ना तो हमारा गुरु गुरु है और गुरु की बेद भी ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया विचार दिए संदीप वाल्मीकि जी ने कि अगर इनका राम है तो इनका राम है तो हमारा भी गुरु है तो गुरु ही है। अगर राम का मंदिर अयोध्या में बन सकता है तो हमारा गुरु रविदास जी का जो मंदिर है वो भी उसी जगह पे बनेगा जहाँ पे पहले था। हम उस जमीन को छोड़ने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप वाल्मीकि जी का।
आपको भैया जितने भी हमारे साथ जितने भी हमारे साथी जुड़ेंगे सबकी लाइव जो अपडेट है आपको हम देते रहेंगे। और भैयों को निवेदन है कि जितने भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं सबको विनती है कि अपने हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो हर एक हमारे पर्सन जो घर में बैठे हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखें ताकि जो इस जो कार्यक्रम चल रहा है जो इस मार्च चल रहा है वहाँ तक उनकी जो आवाज़ है जहाँ की आवाज़ उनके कानों तक भी पहननी चाहिए उनके उनको भी देखना चाहिए जो हमारा समाज है वो उस सड़कों पर उतर के एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे रोस मार्च कर रहा है रोस कर रहा है। जितने भी मेरे भाई नहीं जुड़े हैं सबसे निवेदन है कि सभी मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी जितनी भी आने वाली नवी है नई अपडेट है जो भी यहाँ का फाइनल फैसला होगा जो भी कमेटी यहाँ का कोई भी फाइनल फैसला देगी हम तुरंत आपके पास वो YouTube पे डालेंगे ताकि जो आप अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाएगी कि इस जो गुरुदास महाराज के मंदिर का जो फैसला है वो क्या लिया गया क्या निर्णय है आगे की क्या निर्णय देती है। इसलिए मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई इस चैनल को देख रहे हैं या जितने भाई शेयर कर रहे हैं सबको निवेदन करें कि इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जुड़े हैं तो डेरा सचखंड भल्ला में महाराज आते हैं प्रोग्राम में ये महाराज जी बहुत विचार अच्छे देते हैं उनके विचार सुनते हैं कि उनके क्या विचार है संत रविदास मंदिर को तोड़ने में। जी महाराज संत स्वामी दास महाराज का मंदिर तो गुलगाबाद में तोड़ा है सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की अपील सरकार से कि मैं वो जमीन और वहीं पर हमारा मंदिर बना दे बढ़िया मंदिर बना सके संत समाज से संत के अपील करी मैं शांतिपूर्वक दो रोज प्रदर्शन करें और संगत से भी अपील करी कि शांतिपूर्वक जो है ना रोज प्रदर्शन करें कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का बहुत अच्छे विचार दिए आज इस जो भाई आगे जा सकते हैं मुझे आगे जाना थोड़ा सा देखिए महाराज संत कृष्ण झेड़ू जी तो संत कृष्ण जी साढ़े ना इस वे लाइव जुड़े हैं तो उन्होंने की विचार ने उन्होंने आप डेट आप मुंड लें महाराज जी महाराज की विचार ने ताे जी इस मंदिर के इस वे जो कमेटी चलता सारी आई हुई है पूरे भारत संत समाज सारे बुद्धिजीवी विद्वान और सारे नेतागण लोग और सारे की डिमांड यही मांग है भाई गुरु रविदास जी का मंदिर पहली वाली जगह बनना चाहिए बगैर किसी शोर शराबे के तो बगैर किसी नुकसान हुए दे और बगैर किसी को जानी माली नुकसान हुए दे और बड़े प्यार ना एक गल समझा चाहते हैं भी जिन्हें भी गुरु रविदास महाराज बनने वाले आ वो सारे यही चाहते हैं भी जिथे गुरु रविदास महाराज का पहला मंदिर सेगा उस जगह पर गुरु रविदास महाराज का मंदिर बहाल किया जाए ये सारे संत समाज की मांग है
और संगत बारे की मैसेज देना चाहते हो जो संगत जी इतने नहीं आ पहुंची या जी आ रही संगत रास्ते जो माहौल शांति बारे उन्होंने दिल में दुख दर्द है वो किसी कारण करके नहीं पहुँच सके जे आए आ भी यही चाहते भी सरकार अज मग जाए सरकार अज चुक जाए और सरकार को यह मंदिर बनाना चाहिए और तोड़ने नहीं चाहिए सरकार बना किसी का घर उजाड़िया नहीं और भी गुरु लोग बहुत मेहरबानी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संत कृष्णनाथ चेहड़ू से जो पंजाब में डेरा है इनका अमृतवाणी को लेकर महाराज जी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और हमारे साथ पंडवा से हमारे साथ सुन रहे हैं डेरा सचखंड पंडवा से उनसे विचार लेते हैं उनका क्या विचार है। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव की विचार है ते जे अज माहौल इकट्ठा होया संगत इकट्ठी हुई है उन्होंने की रणनीति अजली बनूगी जेकर अपना सरकार नहीं कुछ मानती तो गुरुद्वारे की जी जगह आदा की डिसीजन लिया गया जी अज इतने पब्लिक इकट्ठी हुई इन्होंने हिरदे धार्मिक पक्ष तो बलूंदरे गए उन्होंने मुख रख के अज इतने रोस धरना देने दे आए हैं। अज के रोस धरने के अगर सरकार जी कोई चंगा फैसला नहीं संगत को दी तो जिस तरह पहला सड़क जाम करके ब्लॉक करके रोस प्रदर्शन किया गया इस तरह फिर जोड़े आ धरने रोस के जाम करके सड़कों दिते जाएंगे जिन्ना चर सरकार सूँ थान नहीं दी उन्ना चर धरने निरंतर जारी रहने जो सूँ थान मिल गया तो असी सरकार का फिर धन्यवाद भी हमारे साथ डेरा सचखंड बल्ला से संत महापुरुष जो पंजाब से विशेष तौर पर यहाँ पे पहुँचे उनके विचार लेते हैं कि उनके विचार क्या है संत रविदास मंदिर को लेकर। जी आदरणीय सरकार जो संगत जी जो पिछले दिनों में सुंदर विदास महाराज के पावन ऐतिहासिक गुरु का टुकड़ा बाग में चारों सरकारों ने ढह ढेरी किया है उसके संदर्भ में समुचा रवलासिया कौम के हृदय गूंजरे गए हैं और जो रवलासिया समाज है सरकार नू बड़े अमन और शांति के नाल अपने हक हकूक की गल करने लिए उन्होंने पहलों पंजाब के वासियों ने पंजाब को बंद कराया और अब देश भर से जो रामलीला मैदान में अपने हक हकूक की बात करने आए हैं कोई किसी को कुछ ना दे है जो ले हैं जिस बल से ले हैं जबवान लाग्यो तब रस जाग्यो आर साधु संप्रदाय साड़ी जिन्हें भी रविदासीय धर्म संगठन और बाबा साहब के धर्म संगठन और भगवान महर्षि वाल्मीकि का संगठन उन्हें चर ये जिहड़ा संघर्ष हलनी पेगी जिन्ना चर ये साढ़े हक हकूक नहीं देंगे जो सतगुरु रविदास मान का पावन पवित्र जो मंदिर है बना के नहीं देंगे जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय संतारी जय संतारी जय भीम जय भारत। साडे नाल डेरा सचखंड बल्ला तो सुरिंदर दा बब्बू जी वो भी साडे नाल जुड़े थे उन्होंने विचार की है उन्हें भी सुनते हैं। जय गुरुदेव जी साढ़े की विचार ने डेरा जोड़े दिल्ली तुलगाबाद गुरुद्वारा मंदिर जो ढाया गया सरकार के विरोध में या इतने कितने मंदिर बनना चाहिए या अजय की रणनीति होगी रवलासिया कम्यूनिटी का जन समूह देख रहे हैं लखों की तादाद इतने संगत आईया हुई ने और हजारों की तादाद साढ़े रवलासिया कम्यूनिटी के संत आए हुए हैं और सारे की एक ही मंग है कि जो श्री गुरु रविदास मंदिर तुलगाबाद 1509 के जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जो जमीन उस टाइम के बादशाह सिकंदर लोधी ने दी सी वो अज कुछ दिन पहला सरकार ने उसको हटा दिता गया टहरे भी कर दिता गया तो असं चाहते हैं सारिया संगतानी यही मंग है कि मंदिर उसी जगह पर बनना चाहिए है दूसरी जगह पर नहीं बनना चाहिए। जय गुरुदेव धन गुरु बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल सुरेंद्र बब्बू जी जो डेरा सचखंड बल्ला के सेवादार ने वही साढ़े जुड़े से तो उन्होंने बहुत वधिया विचार दिए हूँ साढ़े नाल गल करवाण जा रहा श्री राजकुमार चब्बेवाल जी हुशियारपुर तो उन्होंने की विचार ने इस गुरुद्वारा मंदिर लेके तो संत रविदास महाराज जी जगह है उसके विचार की ने भी कितने मंदिर बनना चाहिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सुन रहा सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। आज मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के तौर पर इस रोस प्रदर्शन च नहीं आया अज मैं इस विशाल रोस प्रदर्शन के संत समाज के बच्चों के तौर पर संत समाज के बच्चों के तौर पर अपने समाज के हिस्से के तौर पर इस महान रोस प्रदर्शन के आया और
ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ DDA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ CM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ MLA ਹਲਕਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਸਤ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਾਇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਸਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪੰਡਵਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇ ਧੰਨ ਕਰੀਏ ਜੈ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਰਗਾਬਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਭ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਥਾਨ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪੰਡਵਾ ਤੋਂ ਸਤ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭੀ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭੀ ਸਾਥੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਰੀ ਨਈ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਜਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੋਗਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਆਪ ਤੱਕ ਹਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਆਸਾਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੂੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰ ਬਣਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਅ ਜੀ ਨਗਰ ਬੰਦੇ ਮੜਾ ਦੋਸਤੋ ਅਭੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ
पूरे देश से साधु संत जो भी है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जितने भी अपने अपने विचार यहाँ पे जो संगत के साथ है वो साझे कर रहे हैं। सभी बुद्धिजीवी और वो हैं ऐसा प्रेम प्यार के साथ आज गुरु रविदास महाराज को सम्प्रदाय को बनाने के लिए जिस वर्ष को बनाने के लिए आए हैं उस वर्ष को हम रामना गुरु रविदास महाराज फिर उन्हें 151 वर्ष का जीवन हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए लगाया। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने
सभी जो मैसेज है लाखों की गिनती में ऐसा होगा। पंजाब तो साढ़े मिशनरी गायक जेडे मलकीत बवेली जी तकरीबन दो तीन दिन तो दिल्ली में पहुंचे ने ते लगातार जो दिल्ली में सतगुरु रविदास चलुकाबाद गुरुदास मंदिर के सामने 19 तरीक नूं जिहड़ा दिल्ली बंदर कॉल की गई सी उस विच वी ये शामिल होए सी ते अज भी 21 तरीक च जिहड़े जंतर मंत्र तो बदल के रामलीला मैदान में जिहड़ा अज दा जिहड़ा रोश मार्च रखा गया मौजूद ने उन्हां दे विचार लैंदे ते उन्हां दे की विचार ने जय गुरुदेव जी। जय भीम दोस्तों साढ़े नाल इस वेले पंजाब तो सिख जथेबंदियों तो श्री सुखा जी सुखा खालसा जी साढ़े जुड़े ने उन्होंने विचार लेंगे कि उन्होंने गुरु रविदास मंदिर लैके की विचार ने जय गुरुदेव जी। आप हमें आप ये समझ लेना होगा कि अगर हम अपने रहबरों की इज्जत को बरकरार नहीं कर रख सके तो हमारी इज्जत नहीं होगी। आज इन्होंने हमें गंदी ग्राउंड दी है, हमारे कठ को देखकर ये घबरा गए हैं। अगर हम अपने बाप की पगड़ी को संभाल ना पाए तो ये लोग हमें घुसकर हमें मारेंगे। आज जहाँ जो जो जितना कट है ये मूल ताजो आने वाली हर एक अपडेट आप तक हम जल्दी से और सबसे पहले आप तक पहुंचा सके।